गुहार लगा रही थी लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। कैराना कोतवाली के नगर इलाके की यह घटना है। रवि सुलानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, गैंगरेप पीड़िता गुहार लगा रही थी और जो आरोपी हैं वो समझौते का दबाव बना रहे थे, तो शामली पुलिस क्या कर रही है और क्या करने के लिए है? बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरह से ये गैंगरेप पीड़िता थी, इसको जो है देर रात में जो है घर में घुसकर जो दबंग आरोपी थे उन्होंने जिंदा जलाने की जो है कोशिश की है, जिससे इसको पर पेट्रोल डाला गया है, जिससे ये गंभीर रूप से झुलसी हुई है। और शामली पुलिस यहाँ पे बिल्कुल कार्रवाई नहीं की इस घटना से, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से जो है ये पीड़िता है ये गिरफ्तारी की मांग करती आरोपी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से भी इन्होंने जो है गुहार लगाई, इसके बावजूद अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का इस घटना को बीत चुका है और रात में ये हो जाते, इसके बाद जब पुलिस के पास वो पीड़िता पहुंचती है कार्रवाई के लिए, उल्टा उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जा है। तो चलिए बात की जाएगी रवि, कुछ प्रॉब्लम है आपसे, क्लियर बात नहीं हो पा रही। फिर बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी लापरवाही है शामली पुलिस की कि गैंगरेप पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। अजय कुमार एसपी हैं, जुड़े हुए हैं शामली के। अजय जी, गैंगरेप पीड़िता बार बार गुहार लगा रही थी और आरोपी जो हैं समझौते का दबाव बना रहे थे, आप तो सर तेज तरार एसपी हैं शामली के, ये कैसे हो गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो सही बात बताइए, करेक्ट कीजिए मुझे। शामली पुलिस की इसमें कोई लापरवाही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो सही बता दीजिए, किसी ने चाहे प्रतिशोधात्मक या किसी तरह से ये खबर चलाई है, मैं उसको अलग से विधिक रूप से देखूंगा। इसमें जो सही बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बताइए, करेक्ट कीजिए। ये सही है कि उस जो महिला की बात आ रही है, उसने एक ज्ञात और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था करीब 1 महीना पहले। उसमें कोर्ट में बयान हुए हैं, बाकी विवेचनात्मक कार्यवाही चल रही है सबूत संकलन करने का। अभी कल ये सूचना है, ये बात कल की है जो आप आज बता रहे हैं। कल शाम को ये सूचना आई थी, पुलिस फोर्स मौके पर तत्काल पहुंची थी और वहां पे उनके पति भी मौजूद थे और पति के बयान भी हमारे पास है, वीडियो रिकॉर्डेड बयान है। उन्होंने बताया था कि दूध उबालते समय उनके पल्लू में आग पकड़ ली है और थोड़ा सा पेट की तरफ उनका थोड़ा बहुत जल गया है। ये बात, इतनी बात सही है, बाकी इसको फिर बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है और आज इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिर भी हम तो ये आपके पास जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। नहीं तो जो गैंगरेप पीड़िता है, इसके आरोपी हैं, ये अभी बाहर हैं या जेल के भीतर हैं? ये भी मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, जेल के भीतर कोई तब जाता है जब सबूत होता है, वो सबूत संकलन की कार्यवाही चल रही है। तो इन्होंने तो कलमबंद बयान भी होता है, उसके आधार पर लोग जेल में चले जाते हैं, उसके बाद सबूत लिया नहीं, जाता नहीं, है। अब विवेचनात्मक चीजें मैं बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना जरूरी है कि जो पहले मुकदमा लिखाया गया था, एक व्यक्ति नामजद था, दो अज्ञात थे। उसके बाद जब 164 के बयान हुए तो उसमें दो और नाम उन्होंने ले लिए, तो इस तरह से एक संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है, इसीलिए उसमें बारीकी से विवेचना चल रही है और इस जो भी कहीं दबाव में तो नहीं है परिवार। लेकिन ये जो ये है कि जिंदा जला दिया गया और ये कर दिया गया, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। दबाव में तो नहीं है परिवार, पीड़ित परिवार? नहीं, कोई दबाव नहीं है, वो महिला थाने भी आई हुई है और ऐसी कोई बात नहीं कि जिंदा जला दिया और ये हो गया। वो मैं देखता हूँ कि जिन्होंने फैक्ट के धोखे में इस तरह की खबर चला के बदनाम करने की कोशिश करते हैं पुलिस प्रशासन या सरकार को, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी अमल में लाऊंगा मैं। चलिए, बहरहाल अजय जी बता दें कि उन्हीं के पति ने हमें ये जानकारी दी थी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।